वेलकम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे केयर इन नर्सरी। इट मीन्स कि आफ्टर डिलीवरी जब बेबी को हम नर्सरी में ट्रांसफ़र करते हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन, तो वहाँ पर हम उसे कौन कौन सी स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से उसका कॉट केयर करेंगे, बाथिंग रिलेटेड हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज हम देखेंगे। केयर इन नर्सरी, सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन। हमें जैसे ही बेबी नर्सरी में आता हैड टू टू उसका फुल फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ताकि किसी भी तरीके की कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, किसी तरीके का कोई कंजनाइटल डिफॉर्मेशन तो देखने को नहीं मिल रहा है, तो इसको हमें असेस करना है। सेकेंड होता है टू एस्टिमेट द गेस्टेशनल एज। इट मीन्स हमें गेस्टेशनल एज को एस्टिमेट करना है बेबी का, कि बेबी प्री मेच्योर तो नहीं है, वो मेच्योर है कि नहीं। तो इसके लिए उसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि सोल क्रिएसिस में कितने डिस्ट्रीब्यूशन है, ब्रेस्ट नोड्यूल्स कैसा है, स्काल्प का हेयर कैसा है, ये सारी चीज़ों को देखा जाता है। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी। देन फिर हम आते हैं जनरल केयर। जनरल केयर में हमें सबसे ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है कि बेबी का बॉडी थर्मल जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। इसके लिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि डिलीवरी रूम को हम वार्म रखें, और जैसे ही बेबी की डिलीवरी हो उसके बाद हम तुरंत उसकी बॉडी को ड्राई करें और एक दूसरे ड्राई टॉवल से हम बेबी को कवर करें। और साथ ही साथ हमें मदर को उसे दे देना चाहिए, ताकि मदर स्किन टू स्किन कांटेक्ट, जिसको हम कंगारू मदर केयर भी कहते हैं, बेबी को प्रोवाइड कर सके। और साथ ही साथ हमें बेबी को और मदर को एक साथ छोड़ना चाहिए, ताकि क्या है, एक स्पेशल बॉन्डिंग दोनों के बीच बने और जो मदर है वो इजीली बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करा सके, क्योंकि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है वो बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हमें इस बात को लिए भी मदर को एजुकेट करना चाहिए कि 6 मंथ तक वो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ही बेबी को प्रोवाइड करें। देन फिर हम आते हैं बेबी बाथ। तो इमीडिएट आफ्टर बर्थ हमें कभी भी बेबी को बाथ प्रोवाइड नहीं करना चाहिए, तब तक जब तक कि वो एक नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग लेना स्टार्ट ना कर दे, और साथ ही साथ वो अपने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने की कैपेसिटी डेवलप ना करे। लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में जितने भी एक्सेस वर्निक्स कैसियोसा होंगे, ब्लड होंगे, मिक्रोनियम होंगे, तो ये सबको हमको क्या करना चाहिए, एक स्टराइल मॉइस्ट सॉफ्ट से क्लीन करना चाहिए, और क्लीन करते ही तुरंत एक ड्राई सॉफ्ट टॉवल से क्लीन कर देना चाहिए, वाइप कर देना चाहिए। देन फिर आता है वेट। तो बेबी का रेगुलर डेली हमें वेट लेना चाहिए, और वो भी किस समय, जब हम क्या करें, बेबी को क्लीन कर रहे हों या फिर उसको बाथ के लिए प्रिपेयर कर रहे हों, जब बेबी नेकेड हो हमें तभी बेबी का वेट असेस करना चाहिए। देन फिर हम आते हैं केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो केयर ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड को हमें डेली असेस करना चाहिए, ये चीज़ को देखने के लिए कि जो भी हमने लिगेचर प्रोवाइड किया था, नॉट हमने जो दिया था, वो कहीं स्लिप तो नहीं हो गया है। और दूसरा ही दूसरा हमें मदर को ये भी एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए कि आप किसी भी तरीके का कोई भी आउटर सब्सटेंस इस पे अप्लाई ना करें, और ना ही किसी तरीके का डस्टिंग पाउडर इसमें अप्लाई करें, ये अपने आप ड्राई होके ड्रॉप आउट हो जाएगा, गिर जाएगा। और अगर ज़्यादा ही आपको वहाँ पे ब्लीडिंग देखने को मिल रही है, फिर किसी तरीके की कोई स्वेलिंग देखने को मिल रही है, तो आप एंटीबायोटिक पाउडर वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्लॉथिंग। तो बेबी को हमेशा क्लॉथिंग जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंग ही पहनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप समर में उसको बहुत सारे ऊन के कपड़े पहना रहे हैं, या फिर विंटर में हमने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसे ऐसे क्लॉथ वेयर करवाने चाहिए जिससे उसमें जो इसके एक्सट्रीमिटीज़ वो मूवमेंट के लिए फ्री रहे, और साथ ही साथ हमेशा नैपकिन अप्लाई करना चाहिए बेबी को, ताकि और जब जब वो उसे गीला कर देता है या गंदा कर देता है तो उसे तुरंत ही चेंज कर देना चाहिए। देन हम आते हैं केयर ऑफ आई। तो केयर ऑफ आई के लिए सबसे इजी होता है कि हम एक स्टराइल आइसोटोनिक स्लाइन में डिप किया हुआ कॉटन सॉप लें, और उसे इनर कैंथस से आउटर कैंथस की तरफ इजली क्लीन करें। और अगर उसमें किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या रेडनेस अगर हमको देखने को मिल रहा है, तो हम सिल्वर नाइट्रेट अप्लाई कर सकते हैं। देन हम आते हैं मेडिकेशन। तो मेडिकेशन में हमें विटामिन के अप्लाई करना चाहिए, विटामिन के देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेट करना चाहिए बेबी को, ताकि क्योंकि वो किसी भी तरीके के हेमरेजिक डिसीज के जो चांसेस होते हैं उसको मिनिमाइज कर देता है। और साथ ही साथ हमें उससे एंटीबायोटिक थेरेपी भी देनी चाहिए, खासकर उस कंडीशंस में
जब प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन या फिर किसी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के थ्रू बेबी डिलीवर हुआ हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें उसे एंटीबायोटिक थेरेपी देने की कोई नीड नहीं है। देन क्लोज ऑब्जर्वेशन फॉर एटलीस्ट 4 to 8 आवर्स में उसे रखना चाहिए आफ्टर डिलीवरी, ये देखने के लिए कि किसी तरीके का कोई एक्सेसिव म्यूकस सिक्रीशन तो देखने को नहीं मिल रहा है, कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग हमें अम्बिलिकल कॉर्ड से देखने को तो नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा तो नहीं कि जो बेबी का टेम्परेचर है वो सडन फॉल डाउन हो गया है, 36 डिग्री सेल्सियस से कम देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके के किसी भी डेंजर साइंस से हम प्रिवेंट कर सकते हैं बेबी को अगर हम उसको क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखें। देन फिर आता है इम्यूनाइजेशन, तो हमें बेबी को इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना चाहिए जस्ट आफ्टर बर्थ। तो हमें उसे BCG देना चाहिए, पोलियो 0 डोज देना चाहिए और हेपेटाइटिस बी का 0 डोज हमें बेबी को प्रोवाइड करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को बेबी को नर्सरी में कौन कौन से केयर प्रोवाइड करने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।